मेरे गांव में किसी को कुछ होता है तो उसके लिए हम लोग हेल्प करने के लिए हमेशा रहते हैं। केलांचल टाइम्स की खास पेशकश, नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में और मैं हूँ महिमा सिंह। तो जैसा कि हमने अपने चैनल के द्वारा आपको जानकारी देते रहे हैं कि नगर पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसी महा कवरेज के लिए हमारी टीम मधेपुरा जिले के सिद्धेश्वर नगर पंचायत पहुंच गई है, जहां पर हमारी बात बजरंग कुमार से हुई जो कि वार्ड नंबर 10 के प्रत्याशी हैं। तो आपको हम दिखाएंगे कि उनसे हमारी क्या बात हुई, क्या मुद्दे हैं और जनता समाज के लिए चुनाव के बाद उनकी क्या तैयारियाँ हैं। बजरंग कुमार, पिताजी का नाम विष्णुदेव साह, माता जी का नाम राधा देवी और मेरा घर गोरीपुर वार्ड नंबर 6। इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं जी, जनता आपको वोट क्यों देगी? जनता जो है सब जनता मिल करके जो है अभी को चुना गया है। मैं अभी तो नहीं चुना हुआ है ना, यानी खड़ा होने के क्यों चुनेगी? क्योंकि जनता के लिए हम लोग एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं, सामाजिक गतिविधि में अपना समय देते हैं जी। युवा लोगों का साथ मिलता है जी? कितने युवा के साथ? हम लोग करीब 50-60 लड़का है जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। अच्छा, जनता अगर आपको चुन लेती है जी, तो आप 5 ऐसा काम बताइए जो कि जीतने के बाद आपके काम में उसका प्राथमिकता होगा। सबसे पहला काम हम लोग का रहेगा कि मेरे गांव वार्ड में जो है जितना भी गंदगी है इस सबको पहले साफ करवाना, ठीक है? एक और दूसरा बात, अगर मेरे गांव में किसी को कुछ होता है तो उसके लिए हम लोग हेल्प करने के लिए हमेशा रहते हैं। तीसरा है कि अगर मान लीजिए हम लोग सरकार का जो भी लाभ होगा हम अपने जनता को पहुंचाएंगे। जल निकासी की समस्या है, उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए सबसे पहला काम जो है जल निकासी का, जैसे कि हमारे यहाँ नाला वाला जो है सारा गंदगी है, पहले इस सब का जो है ना काम करवाएंगे। अच्छा, आप जीतेंगे तो जो वृद्ध महिला हमको वृद्धा पेंशन दिलवाएंगे या फिर पैसा रख लेंगे? जी नहीं, ऐसा तो हम लोग का ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ अपने समाज को साफ सुथरा और अच्छा बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना पैसा लेंगे जी? वो सब तो हम लोग वो सब बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। और अधिकारी मांगेंगे तो क्या करेंगे? उसका खिलाफ हम लोग विरोध जाएंगे, क्योंकि हम लोग के साथ जो भी है बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ की जनता से क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या यहाँ की जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी हम लोग का सपोर्टर है, जो भी युवा है, सब मिलके जो हमको चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं, यही सबका साथ चाहिए। सबका साथ सबका। शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी होगा बच्चे सबका पढ़ाई वढ़ाई अच्छी से होना चाहिए। आप क्या नगर क्या नगर बनाना चाह जी? नगर बन। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।